हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 30 और जो हमारी डेट है वो है 25 जनवरी 2021। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। और उससे पहले बच्चों, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अपने चैप्टर पे, एशेज दैट मेड द ट्री ब्लू, कि जो एशेज जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं कि सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द रेड एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। जो ओल्ड मैन था उसने क्या, जो ट्री था उसको क्या चॉप किया, मतलब उसको काटा। ठीक है, और कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक, और जो ट्रंक का जो मिडल था उसको क्या है, 2 फीट लॉन्ग उसमें उसने उसके जो मिडल जो पार्ट था उसको काटा। विद अ ग्रेट लेबर, पार्शली बाय फायर, पार्शली बाय चीसल, मतलब ग्रेट मतलब बहुत ही मेहनत के साथ, कभी फायर के साथ, कभी चीसल, मतलब चीसल क्या होता है, एक छेनी टाइप होता है। ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो पीस एज अ बिग एज स्मॉल बाउल, उसने किया है छोटा सा जो एक स्मॉल बाउल के रूप में उसने होलो प्लेस किया। ठीक है, एक मतलब एक कटोरी जितना, एक एक कटोरी जितना उसने एक खाली जगह बनाई। फिर क्या था, ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, फिर उसने क्या है, एक लंबी हत्थी जैसी हथौड़ी बनाई, सच एज यूज फॉर पाउंडिंग, जो क्या है वो पाउंडिंग राइस, मतलब राइस को जो पाउंडिंग मीन्स क्या होता है, क्रश करने के लिए, कूटने के लिए क्या है यूज़ करता, तो उसने एक क्या हैमर बनाई। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब क्या है न्यू ईयर का जो टाइम था वो क्या है आने वाला था, नज़दीक था, ही विश टू मेक अ सम राइस पेस्ट्री, उसने क्या है कुछ राइस पेस्ट्री बनाने के लिए सोचा। ठीक है, उसके मन में आया कि वो क्या राइस पेस्ट्री बनाएगा। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉयल, ग्रैनी पुट इन टू द मोर्टार, जब क्या है जब जो राइस थे वो पूरी तरह से बॉयल हो गए तो ग्रैनी ने उसको क्या है मोर टार में क्या है मतलब उसको डाला। मोटर क्या होता है, खोखली होती है, ओखली होती है। ठीक है, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हीज हैमर टू पॉन्ड द मास इन टू डो, फिर उसने किया है जो ओल्ड मैन था उसने अपनी हैमर को उठाया और जो मास था, मास इन टू डो, जो मास था मतलब जो उसने निकाला था उसको क्या है उसने उसको एक क्या है आटे में चेंज किया। ठीक है, उसने कूट कूट के मतलब क्या है उसको एक चेंज कर दिया डो में। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, फिर क्या था जो क्या जब उसने हथौड़ा उठाया और तेज तेज तक मारता रहा जब तक कि वो सेकने लायक नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब उतनी तेज 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 से क्या है वो डो को क्या मारने लगा। सडनली द होल मास टर्न इन टू हीप ऑफ गोल्ड, अचानक से जो मास था वो जो मतलब मास था वो डो था वो क्या एकदम से वो क्या गोल्ड कॉइन में चेंज हो गया। वेन द ओल्ड वूमैन टुक द हैंड मिल, जब ओल्ड जो वूमैन थी उसने क्या हैंड मिल के उठाया एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगन टू ग्रेन, और वो हैंड मिल क्या था जो चक्की चलाने वाला होता है, और फिलिंग इट विद द बीन्स बिगन टू ग्रेन, और उसने क्या है बीन्स भरी मतलब उसको चलाने के लिए, जो फिर क्या था जो गोल्ड ड्रॉप लाइक अ रेन, और जो वो और क्या था फिर जो गोल्ड था वो क्या रेन की तरह क्या है बारिश की तरह क्या है बरसने लगा। ठीक है, जब चक्की हैंड मिल मतलब जो चक्की होती है, ठीक है, जब बूढ़ी औरत ने हाथ चक्की उठाई ना तो उसमें क्या है जब बीन सॉस डालने के लिए उसने भरा तो जो सोने की क्या है बारिश होने लगी। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मैच द फ्लोइंग वर्ल्ड मीनिंग विद योर कोरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स, ट्रंक क्या होता है वुडी स्टेम ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्या होता है ट्रंक, अब वुडी ये जो होता है ना ट्रंक मतलब तना। ठीक है, इसका जो हमें क्या है इसके पिक्चर से हमें मैच करना है तो इसका क्या पिक्चर्स क्या है, ये री फर्स्ट क्या है, ये क्या है ट्रंक मतलब तना जो होता है। चीसल, चीसल मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, खुरपी छैनी जिसको बोलते हैं, टूल विद द करेक्टरिस्टिकली शेप कटिंग एज। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है मैच, लेकिन जो इसका जो चित्र है वो क्या है ये खुरपी जैसी होती है। ठीक है, इससे क्या है आप पेड़ को आप मतलब निलाई भी करते हैं और उसको कुछ काटने के लिए भी यूज़ होता है। पाउंडिंग, पाउंडिंग मैंने अभी बताया कुछ कि कूटना छोटे से में कर देना। रिपीटेड हैवली हिटिंग एंड स्ट्राइकिंग, ये इसका बिल्कुल सही है कि रिपीटली बार बार क्या है उसको हिट करना, तो इसका ये क्या है ये रहा। ठीक है, ये तीसरा इसके डायग्राम, जैसे आपका ओखली होता है उस ओखली में जैसे आपने देखा होगा पहले की जो औरतें भी होती थी उसमें क्या है मसाले रखती थी उसको लगातार क्या कूटती थी, तो ये है इसका आंसर। डो क्या होता है, डो आपको पता है आटा, आटे का जब हम आटा बना लेते हैं ठीक है
अ थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड लिक्विड यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फोर्थ है, ये हमने बिल्कुल मिला लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब क्या है, लेट्स पिक्चर दिस, रीड द गिवन लाइन्स एंड मैच दैम विद द करेक्ट पिक्चर। अब हमें लाइन्स पढ़नी है और करेक्ट पिक्चर के साथ हमें इसको मैच करना है। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, उसने किया एक लॉन्ग हैंडल हैमर बनाई, एंड सच एज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो राइस को पाउंडिंग करने के लिए बनाता है। ये हमारा क्या है, ये रहा हमारा फर्स्ट, ये आपकी हैमर हो गई, ये आपका ओखली हो गई, किसके लिए होता है, जो बार बार कूटने के लिए होता है, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड क्या है कि वैन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंडमिल, जब उसकी ओल्ड वुमेन ने हैंडमिल को उठाया, मतलब चक्की को, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, जब उसने बीन्स के साथ उसको भरा, ठीक है, तो गोल्ड कॉइन की क्या है, बारिश हो गई, ये री हैंडमिल, ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेकंड वाला ये आ जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड क्या है, वैन राइस वाज बॉइल्ड, जब राइस क्या है, ठीक है, मैं आपको ये आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये आपका सेकेंड है, तो थर्ड क्या होगा हमारा ये, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार, कि वैन द राइस वाइज बोल्ड, जब राइस बोल्ड हो गए, ग्रैनी पुट इन द मोर्टार, ये क्या है, मोर्टार में जब उसने रखा, द ओल्ड वुमेन लिफ्टेड हिज हैमर, ये इसकी हैमर उठाई, टू पाउंड द मास इन अ डो, एंड बॉल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री, ये आपका क्या है, बेकिंग, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस, वैन द ओल्ड वुमेन फिल्ड द हैंडमिल, जब ओल्ड वुमेन थी, जब उसने अपना हैंडमिल में रख मचक्की उठाई, तो विद बीन्स, तो हमारा क्या है, बीन्स के साथ क्या था हमारा, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से लिखेंगे, ये रहा, ठीक है, विद बीन्स टू बिगन राइंड, जब उसने बीन्स को राइंड, मतलब पीसने के लिए उठाया, तो गोल्ड जो था वो बारिश की तरह बरसने लगा, ये आपका, ठीक है, ये आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ से आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, तो ये आप यहाँ से बच्चे पूरा कंप्लीट कर लेना। तो बच्चों ये हमारी सेवन्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।